अब खबर है यूपी की राजधानी में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। रविवार को 21 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में पाए गए मरीजों की जनवरी से लेकर अब तक की सबसे ज्यादा ये संख्या है। जनवरी से अगस्त तक 103 मामले ही डेंगू के पाए गए थे। सितंबर के 22 दिनों में ही 181 मरीज पाए जा चुके हैं। वहीं 50 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी पंकज मंडल ने लोक बंधु निदेशक सुरेश चंद्र कौशल से खास बातचीत की। इस समय मौजूद हैं लोक बंधु हॉस्पिटल में। आपको पता चले डेंगू व टाइफाइड के काफी मरीज निकल रहे हैं। डेंगू के मरीज 21 मरीज निकले हुए हैं, 14 दिन के अंदर 21 मरीज निकले हुए हैं। हम बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं लोक बंधु हॉस्पिटल में निदेशक साहब के साथ। आइए हम बात करते हैं सर, डेंगू और टाइफाइड के कितने मरीज निकल रहे हैं? देखिए मरीजों की संख्या मेरे यहाँ तो पॉजिटिव नहीं निकले। टाइफाइड तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन डेंगू और मलेरिया पॉजिटिव नहीं है। डेंगू के जो पॉजिटिव मरीज थे वो दो मरीज जो है जुलाई में थे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बुखार के मरीजों की संख्या जो है लगातार इजाफा हो रहा, और जो हमारे पास लगभग 2200 से 2500 के बीच में जो मरीज आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 25-30% हमारे मरीज जो हैं वो बुखार के मरीज। क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं लोकबंधु में डेंगू और टाइफाइड के मरीजों के लिए? डेंगू और टाइफाइड चूँकि मच्छर जनित बीमारियाँ हैं, तो इनके लिए हमारे पास जो है 3 वार्ड बेसिकली हमने बना रखे हैं 18 बेड के करीब, कि जिसमें कि जरूरत पड़ने पर वो मरीजों को भर्ती किया जाए। मच्छरदानी लगी हुई है, उन्हें मच्छरदानियों लगवाई हुई हैं। बाकी दवाओं की उपलब्धता है और इमरजेंसी मरीजों की उपलब्धता है। डेंगू से बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? डेंगू चूँकि मच्छर जनित बीमारी है, डेंगू और मलेरिया दोनों ही, तो उसके लिए ये है कि घर में और घर के आसपास जो है पानी बहुत दिनों तक न रुकने दें, ताकि उसमें मच्छर के लार्वा न पनप पाए। उसके लिए ये कि अपने आसपास जो भी टूटे बर्तन या जो भी कूलर है, टूटे बर्तन है, टायर है, जहाँ पे पानी रुकता हो वो तो एक खाली करा दिया जाए, खाली हो जाए। और दूसरा ये है कि कपड़े आप जो है पूरी बांह के पहने, शर्ट पूरी बांह के पहने, पजामा पहने। सोते समय जो है बेहतर तो ये होगा कि मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा कुछ अगरबत्ती आती हैं, कुछ जो है लगाने की क्रीम आती हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। खाने पीने में क्या खाना चाहिए डेंगू के मरीज को? खाने पीने में सब कुछ खाना है आपको, उसमें कोई रोक नहीं है। बस ये कि पानी आपको खूब ज़्यादा पीते रहना है, तरल पदार्थ खूब लेते हैं, पानी, दाल, नींबू का पानी और आपका नारियल पानी, ये सब जो है ज़्यादा मात्रा में लेना। जैसा कि हमने बताया कि डेंगू के मरीज को खासकर खान पीन में भी सही से रखना चाहिए और लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए। और आपको बताते चलें डेंगू से बचने के लिए घर के बाहर पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, कूलर पे जो कूलर रहते हैं उनके अंदर पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इंडियन उसे संजय तिवारी, लखनऊ।